हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, और जो कि फर्स्ट ईयर वाले आप किसी भी ट्रेड से हो, लेकिन आप टेक्निकल ट्रेड से हो, नॉन टेक्निकल वालों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं आता, ठीक है। और जो हमारी सेकेंड क्लास है, अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी उसको ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले हम दोस्तों आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाएंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबको कराएंगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो आपके एग्जाम से पहले पहले कराएंगे, जिससे आप आसानी से उन्हें समझ सकें और एग्ज़ाम में उन्हें कर सकें। और एग्ज़ाम में भी आपको करना क्या है, प्रश्न पत्र को सबसे पहले आपका करना, उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना जो आप आसानी से याद करके गए, उनको अच्छा आसानी सही कर सकते हैं। और जो डिफिकल्ट लगते हैं, जिसमें डाउट है, उनको सबसे बाद में करना, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले स्टार्ट करने से पहले आपको सुविचार सुना देता हूँ। इसमें दिया कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपने पढ़ाई में व्यस्त रहना। अब समय आपका केवल पढ़ाई में व्यस्त रहने का, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और दोस्तों आप क्या करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको पास तुरंत पहुँच सके। तो आशा करता हूँ समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन को दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही होगा। तो जल्दी से सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, जो कि एल्यूमिनियम जो किसका एक्सर होता है, ये हमारा होता है बॉक्साइट का, किसका, बॉक्साइट। इससे अच्छे से याद कर लेना, ये दो तीन बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिएगा, धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो तन्यता बोलते हैं, आघात वर्धनता बोलते हैं, कठोरता बोलते हैं, या भंगुरता बोलते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, राइट आंसर। तन्यता मतलब होता है इसका राइट आंसर, धातु का वह गुण जिसमें धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा सकता, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तन्यता मतलब कितना भी हम खींचें वो टूटे ना, उसको हम बोलते हैं तन्यता, ठीक है। यही होता है किसका गुण, धातु का गुण होता है जो बिना टूटे लंबा खींचा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, माइका है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा आपको बताना। तो सभी साथी कमेंट करें जल्दी से इसका राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखें सभी कमेंट करें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा अभी। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, माइका जो हमारा है कि ये क्या है, कुचालक है। इसमें क्या, किसी भी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कि तांबा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, चांदी हुआ, इन सब में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से की जा सकती है, ठीक है। जिसमें नहीं की जा सकती वो कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अच्छा समझ गए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कि विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है, तो किस रबर का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। देख सकते हैं फर्स्ट हमारा दिया गया जो ब्यू टाइल दिया गया, इसमें दिया गया हाइपलोन दिया गया, और सिलिकॉन दिया गया, और यहाँ दिया गया जो नाइट्राइड ब्यू टाइड दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा आपको कमेंट करना, तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें, जितने भी स्टूडेंट वीडियो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी क्या होगा हमारा, सिलिकॉन इसका राइट आंसर, क्या होगा, सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, सिलिकॉन जो है ये हमारा इंसुलेटर के रूप में रबर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, इसमें दिया गया स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्पात का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया सिलिकॉन स्टील दिया गया, मैगनीज इस्पात दिया गया यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर दिया वेनेडियम जो होता है इस्पात दिया गया, इसका दिया गया, और यहाँ पर दिया गया कोबाल्ट इस्पात। इसमें से आपको बताना सही राइट आंसर कौन सा होगा, जो स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सी इस्पात है उसका उपयोग करेंगे। तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी किस में हम उपयोग करेंगे, कोबाल्ट इस्पात इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम क्या करते हैं, स्थायी रूपक जो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम कोबाल्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर
इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। जो ओवरहेड लाइन रहती हैं, जो आपने तार खींचे हुए देखेंगे ओवरहेड लाइन वाले, तो उसमें किसका कुचालक करेंगे, माइका का करेंगे या रबर का या पीवीसी का या पोर्सिलिन का, बताएं इसमें से कौन सा सही होगा। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखो सभी कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्रों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल पर पहली बार बैठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल पर प्रेस करना, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी पोर्सिलिन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो पोर्सिलिन जो होता है, इसका हम उपयोग ओवरहेड लाइनों में उपयोग करते हैं कुचालक के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अच्छे से याद कर लें, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जरा क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए, स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो किस मतलब कुचालक सामग्री का उपयोग करेंगे, देख सकते हैं, पोर्सिलिन दिया गया, पीवीसी दिया गया, बेकेलाइट दिया गया और एबोनाइट दिया गया है। तो इसमें से सही आपको कमेंट करना है, तो कौन सा सही होगा। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, बेकेलाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। जो बेकेलाइट होता है, इसका स्विच बनाने के लिए हम कुचालक के रूप में उपयोग करते हैं, का बेकेलाइट इज राइट आंसर होगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है, प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर होना चाहिए। तो इसमें से सही बताना है कि आपको चार ऑप्शन से कौन सा सही होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, परावैद्युत बोलते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या यांत्रिक जो सामर्थ्य होता है या फिर गैर अवशोषण। तो इसमें से कौन सा सही है आपको कमेंट करना, तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसमें से कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि सबके एग्जाम है तो सभी को कमेंट करना, तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल नकल करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला। जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी परावैद्युत इसका करेक्ट आंसर हो, यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होता है, यानी परावैद्युत जो होता है, ये प्रतिरोधक का वह गुण होता है जिसमें हम क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया, क्वेश्चन में दिया है, किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने में किया जाता है। तो किसका करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन स्टील दिया गया है, मैंगनीज स्टील दिया गया है और यहाँ पर इनवार स्पीड इस्पात दिया गया है और वेनेडियम दिया गया। तो इसमें से आपको कमेंट करना सही कौन सा होना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर, चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या हुआ यहाँ पर, सी करेक्ट हो गया, यानी क्या हुआ, इनवार इस्पात जो होता है इसका हम उपयोग क्या करते हैं, कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया है कि रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो किस स्टील का उपयोग किया था ये आपसे पूछा गया है। यहाँ दिया गया निम्न कार्बन स्टील दिया गया, ऑप्शन बी हमारा दिया गया मध्यम कार्बन स्टील दिया गया, ऑप्शन सी हमारा दिया गया उच्च कार्बन स्टील दिया, ऑप्शन डी हमारा स्टेनलेस स्टील। तो इसमें से आपको सही कमेंट करना, तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से। तो जल्दी से बताएं इसका कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, यानी हमारा क्या उच्च कार्बन स्टील इसका राइट आंसर होगा, जो कि हम क्या करते हैं रेती और कोल्ड जो छेनी बनाने के लिए किसका करें, उच्च कार्बन स्टील का उपयोग करेंगे। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि वस्तु में नियत पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। जो वस्तु में नियत जो पदार्थ की मात्रा को क्या कहेंगे, यहाँ पर दिया गया है डेंसिटी दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, मास दिया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया। जिसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, घनत्व या आयतन या द्रव्यमान या विशिष्ट गुरुत्व कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखें सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर, 64 का कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर। मतलब किसी पदार्थ में नियत जो पदार्थ की जो मात्रा होती है, कोई पदार्थ है उसकी जो नियत मात्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, यानी मास बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन में दिया गया वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की केंद्र की ओर आकर्षित होती है। मतलब
जो पृथ्वी रहता है उसकी ओर आकर्षित होती है, वो कौन सा बल है इसके बारे में पूछा जाएगा। देख सकते हैं फर्स्ट माना जाए द्रव्यमान या भार या आयतन या घनत्व, इसमें से कौन सा सही है आपको कमेंट करना। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन से, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी किसके कारण होता है ये भार वेट के कारण क्या होता है कि पृथ्वी की केंद्र को आकर्षित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा 65 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन में देखा किसी पदार्थ के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा द्रव्यमान कहते हैं, भार कहते हैं, घनत्व कहते हैं, आयतन कहते हैं। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथ इसका राइट आंसर, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन से, जल्दी से कमेंट करें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी हमारा क्या घनत्व यानी कि डेंसिटी जो होता है इसका राइट आंसर है, जो कि क्या करता है किसी पदार्थ के द्रव्यमान के प्रति इकाई का जो आयतन होता है इसको हम डेंसिटी यानी आयतन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है। 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो होता है उस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, इसको पूछा गया। घनत्व कहते हैं या विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं या फिर द्रव्यमान कहते हैं या भार बोलते हैं, यानी वेट मास या स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी, इसमें से कौन सा सही होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वो आपके लिए CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर और सभी क्वेश्चन करवा दूँगा मैं एग्ज़ाम से पहले पहले, आप इसकी टेंशन मत पालना। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी हमारा क्या होगा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दिया गया है एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है, जो एल्युमिनियम का जो घनत्व होता है डेंसिटी होता है उसका कितना होगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी देंगे आपके स्क्रीन पर, यहाँ और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें से आपको कमेंट करना है कौन सा सही होना चाहिए। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से कौन सा सही होगा, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, है कितना होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यार ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि गति का सूत्र क्या है, मतलब जो गति होता है जो स्पीड होती है उसका फार्मूला पूछा गया। तो आप देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन से देंगे कि तय की गई दूरी बटा समय होता है, ऑप्शन बी हमारा दिया गया वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, ऑप्शन सी हमारा दिया गया निश्चित दिशा में दूरी बटा समय होता है, ऑप्शन डी हमारा दिया गया संवेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो आपको करेक्ट करना और एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी क्या होगा जो होगा तय की दूरी बटा समय, इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन 80 नंबर दिया गया, यहाँ पर दिया गति की आपसे पूछा गया गति की इकाई क्या है। तो देख सकते हैं मीटर पर सेकंड है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या मीटर पर मिनट है या फिर मीटर पर हावर, तो इसमें से आपको कमेंट करना सही कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे सभी कमेंट करके बताएंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी क्या मीटर पर सेकंड जो होता है ये क्या होता है स्पीड की यूनिट होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अच्छे से याद कर लेना, ये प्रीवियस एग्जाम 2022 में पूछा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन पूछा गया वेग का सूत्र क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन से देंगे, अच्छे से पढ़िए इनमें से आपको हम कमेंट करके बताइए सही कौन सा हो, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से, सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से बताएं और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को करना ऑल पर प्रेस करना जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर है, यानी कि 81 का काम हमारा होगा बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारे का निश्चित दिशा में दूरी बटा समय इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे से याद करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन में पूछा वेग यानी वेलोसिटी जो है की इकाई क्या है, वेलोसिटी की इकाई क्या होगी। देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा दिया गया मीटर पर सेकंड है, ऑप्शन बी हमारा मीटर पर सेकंड इसका दिया गया है और ऑप्शन सी हमारा दिया है मीटर पर मिनट दिया गया, ऑप्शन डी हमारा मीटर पर हावर। तो इसमें से सही कौन सा आपको कमेंट करना, तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी क्या मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया जिस वस्तु में परिणाम या साइज होता है उसे क्या कहते हैं, जिस वस्तु में क्या होता है परिणाम होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा दिया गति बोलेंगे, वेग बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। तो इसमें से बताएं कौन सा सही होगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी कि सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि। जिस मतलब जिस वस्तु में परिणाम और साइज होता है उससे हम क्या होते हैं अदिश राशि बोलते हैं, और जिस वस्तु में परिणाम और दिशा दोनों होती है उसको हम बोलते हैं अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस तरीके से सी होगा अगर इस तरह से पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर तो डी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया किसी वस्तु का परिणाम अगर साइज दिया गया तो उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दिया गया कि यदि वस्तु में परिणाम और वेग दोनों हो तो उसको क्या कहते हैं। ये देखिए मैंने आपको वहाँ बताया तो आप देखिए यहाँ पर आ गया। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से 84 का। तो जो भी साथी राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, सदिश राशि होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जरा क्वेश्चन में देगा किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है। जो विस्थापन के जो परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया। तो आप कमेंट करके बताएं इसका कौन सा सही होगा। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 85 का डी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, यानी कि वेग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया, देख सकते हैं 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में चार ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर मिस प्रिंट होगा, तो इनमें से आपको बताना होगा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन से, सॉरी दो ऑप्शन में, तो आपको राइट आंसर बताना। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा वस्तु का जो होता है विश्राम में होना, बॉडी एट रेस्ट इसका राइट आंसर होगा। मतलब यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो उसको बोलते हैं वस्तु का विश्राम में होना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, स्थिति को बदल रहा है, वहाँ पर स्थिति को नहीं बदल रहा था, अब यहाँ पर स्थिति को बदल रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए आपको कमेंट करना है कि वस्तु का विश्राम में होना होगा या वस्तु का गति में होगा या फिर गति या वेग। तो इसमें से कमेंट करना सही कौन सा होगा चार ऑप्शन से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में हो सकता है 6 के 6 क्वेश्चन इसी तरह फंस जाए। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 87 का बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा वस्तु को जो है गति में है। क्या इसको बोलेंगे, वस्तु क्या है गति में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया इस तरह से हो सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। इसमें दिया गया उस वस्तु का वेग क्या होगा जो 21 सेकेंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी पर तय करता है। तो वेग पूछा गया, तो वेग का जो फार्मूला होता है वह होता है क्या होता है हमारा दूरी, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब आपको दूरी कितनी दी गई 168 दी गई। ठीक है, 168 दिया गया और बटे में आपका समय कितना दिया गया 21 सेकंड दिया गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पर डिवाइड करना। देखिए 2100 जब इसको डिवाइड करेंगे, देखना 21 का जब आपका 21 का इंटू करना 8 का, तो ये देखिए कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। जो 21 एकन 21 21 अट्ठे 168 होता है, देख लिए यहाँ पर गुणा करके देखना कि 8 एकन 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 × 2 = 16 हो जाए, ये 168 आएगा। तो आपके कितना आएगा आंसर 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि कौन सा आंसर सही होगा आपको देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी इज राइट आंसर होगा, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया कि त्वरण के लिए सूत्र क्या है। तो आपकी जो निमी में है इसमें ऑप्शन नहीं दिए, तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। त्वरण होता क्या पहले तो ये आपको बताता हूँ। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, या इसका जो इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को
दर जो होता है इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन की दर को भी हम त्वरण कहते हैं, और इसकी दूसरी परिभाषा है, ठीक है। इसको पहली परिभाषा में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये, और इसका जो मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये क्या है, एक सदिश राशि है। और इसका जो फार्मूला की अगर बात की जाए तो ये त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। अगर एग्जाम में अगर सूत्र इसका पूछा गया तो ये आप याद रखना, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर दिया गया है v u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, और v जो होता है अंतिम वेग होता है, s जो हमारी दूरी होती है, और t जो होता है हमारा समय होता है, ठीक है। एग्जाम में अगर इस तरह से पूछ ले तो अच्छे से याद रहे, लेकिन एग्जाम में फार्मूला पूछेगा तो मैं आपको बता दिया, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, इसको याद रखना। बाकी भले कुछ याद रखना मत रखना, लेकिन इस फार्मूला को ज़रूर याद रखना। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा बट अभी मैंने आपको बता दिया किसी वस्तु के त्वरण की इकाई पूछा, मैंने अभी भी आपको बताया, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो सभी कमेंट कर बताएं। त्वरण की इकाई क्या होगी, चार ऑप्शन से कमेंट करें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इसमें दिया गया है कि एक इकाई समय में किया गया कार्य है होता है, तो एक इकाई समय में किया गया जो कार्य होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे, बल बोलेंगे या त्वरण बोलेंगे। इसमें कमेंट करना सही कौन सा होना चाहिए, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर, सभी साथी कमेंट करेंगे इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी क्या होगा शक्ति बोलते हैं, मतलब अगर एक इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर यानी शक्ति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन पूछा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कोई अगर किसी वस्तु पर हमने कार्य किया उसकी क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा, शक्ति, त्वरण या बल, कमेंट करें सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 97 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, हम क्या बोलेंगे ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास हमारी यहीं तक कंप्लीट हुई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार बैठकर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।